तो ये रहा हमारे पास दो एंगल ग्राइंडर जो कि कचरे में पड़ा हुआ था। तो इस ग्राइंडर को हम खोल के निकाल लेते हैं इसका हेड। तो ये रहा हमारा डीसी मोटर जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है और 150 वाट तक का ये मोटर है। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. ये रहा हमारा एंगल ग्राइंडर का हेड जो कि सेट होने में काफी दिक्कत है, तो इसलिए हम इसे कट कर लेंगे ग्राइंडर की मदद से। इसे हमें जड़ से ही काटना होगा, तभी हमारा हेड है जो इस पे बैठ पाएगा सही तरीके से। I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. और ये जो हेड है अभी भी नहीं बैठ रहा है, तो इस पे थोड़ा हम ग्राइंडर से सरफेस एरिया मिला देते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखकर सेंटर लेना होगा, जो मोटर का सापट होता है वो वाला सेंटर और जो हेड का जो सेंटर होता है वो बीचों बीच में बैठना चाहिए। ये जो वायरिंग हाउसिंग है उस सेंटर में काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। तो चलो हम इसे काट लेते हैं और फिर इसे फिट करते हैं। हेड को हम मोटर पे वैसे ही नहीं कस सकते हैं क्योंकि हेड का जो 4 स्क्रू होता है वो मोटर से बाहर हो जाता है, तो हम वैसे ही नहीं कस सकते। तो अब हमें चाहिए होगा 4 इंची स्क्वायर का एक मेटल का सीट। तो चलिए हम मेटल को सीट को काट लेते हैं। सीट कटने के बाद ये बहुत अच्छी तरीका से यहाँ पर फिट हो जाता है और इस बैरिंग वाले हाउसिंग पे हमें इस मेटल वाला सीट को अटैच करना होगा। उसके लिए मार्किंग करके हमें 4 बोल्ट कसना होगा। तो अब हम 4 बोल्ट हेड में फंसा लेते हैं। हमें चाहिए होगा एक तरफ पूरा प्लेन सरफेस जो कि उस मोटर की हाउसिंग पे बैठ सके, तो हम इसलिए एक तरफ से वेल्डिंग कर देते हैं बोल्ट और प्लेट को। सरफेस ग्राइंडिंग होने के बाद बोल्ट का जो हेड है उसे हम काट लेंगे। हेड को निकाल सके। ये काफी बढ़िया तरीका से फिट हो गया है। अब हम इस प्लेट को मेटल की सीट से एक बोल्ट से हम टाइट कर देंगे। तो टाइट होने के बाद कुछ ऐसा दिख जाएगी। तो अब बारी आती है मोटर असेंबल करने की। तो मोटर असेंबल होने के बाद अब बारी आती है पिनियन गियर को सेट करने की। तो इस पिनियन गियर में हम चाबी सिस्टम रखे हैं। तो फाइनली सब कुछ बनने के बाद अब बारी आती है हेड में थोड़ा सा ग्रीस रखकर मोटर में फिट करने की। फिट होने के बाद कुछ ऐसे दिख जाएगी और ये काफ़ी हाथ से घुमाने पर स्मूथली घूम रहा है। 12 वोल्ट सप्लाई देने पर घूम तो रहा है लेकिन उतना स्पीड में नहीं और टॉर्क भी नहीं दे रहा है।